नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए। दोस्तों, आज बात करेंगे हम नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, जिनके बारे में आपको आए दिन नई नई खबरें मिल रही होगी कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू आजकल पाकिस्तान के प्रेम में छाए हुए हैं और पाकिस्तान का प्रेम उन्हें कुछ इस कदर भा गया है कि वो आए दिन इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो पंजाब की राजनीति में सबसे बड़ा घमासान चल रहा है और जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री और आर्मी में कैप्टन रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच और पंजाब के जो मंत्री हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथी हैं मंत्री, वो अब सिद्धू के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं और कांग्रेस में घमासान चल रहा है और पंजाब के मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को निकाल देना चाहिए। जब से इन्होंने पाकिस्तान में गए हैं और इन्होंने सिद्धू ने ये बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान कैप्टन राहुल गांधी को अपना कैप्टन बताया था और कहा था कि मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं और मैं पाकिस्तान राहुल गांधी के कहने पे गया और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना कैप्टन मानने से इनकार कर दिया और जिसके बाद कांग्रेस पंजाब के जो मंत्री हैं वो खुले तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उतर आए हैं और कांग्रेस पंजाब में पूरी तरह बगावत होने की कगार पर है और वहां पर जो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो गुट हैं उसमें बट गई है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं सिद्धू के साथ दिखाई दे रहे हैं और भारत की आर्मी में रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ की बन नहीं रही है और कैप्टन जो आर्मी में है उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है। उन्होंने सिद्धू को जबरदस्त फटकार लगाई थी कि वो पाकिस्तान क्यों गए, उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद से राहुल गांधी और सिद्धू काफी करीब नजर आ रहे हैं और सिद्धू चाहते हैं कि वो वहां पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन कैप्टन भी अड़े हुए हैं और कांग्रेस अब फूट की करार पर पड़ चुकी है पंजाब में और जो सिद्धू का जो पाकिस्तानी प्रेम है उसको देखते हुए पंजाब के कई बड़े मंत्री और पंजाब के कैप्टन जो सेना में रह चुके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, वो अब राहुल गांधी और उनके सिद्धू हैं उनकी जो हरकतें हैं उनसे खफा हैं और उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये अब देखना होगा कि राहुल गांधी क्या करते हैं, कैप्टन भारतीय आर्मी में रह चुके देशभक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनते हैं या पाकिस्तानी प्रेमी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े होते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी किसके साथ नजर आते हैं। और दूसरी तरफ पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गले लगे थे, ये वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कांग्रेस पार्टी में गए हुए हैं और जब से ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं उसके बाद से इनका ये हाल है, ये पाकिस्तान के प्रेमी बन गए हैं। और तो नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो बयान दे रहे हैं भारत के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और उनसे उनके बयान के बाद उनको सुनकर हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान की सेना के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के लिए जो जीते मरते हैं, हिंदुस्तान के लिए जिनके दिलों में प्रेम है,
वो लोग नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में, एक ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में है कि उनकी पार्टी में पाकिस्तान प्रेमियों की भरमार पड़ी हुई है। उस पार्टी में पाकिस्तान के समर्थन में और हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देने वालों की लंबी लाइन है और ऐसे नेताओं में अब नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी आगे चल रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी हद तक भारत को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान के गुणगान गाते हुए और इमरान खान की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गले लगते हुए और भारत के आर्मी चीफ को जो कांग्रेस के मंत्री है वो सड़क के गुंडे तकने की हिम्मत रखते हैं और ऐसी पार्टी जो अब भारत के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कांग्रेस जो भारत के लिए अब खतरा बनती हुई जा रही है और कांग्रेस पार्टी में ऐसे गद्दार नेताओं की जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ इनका जो षड्यंत्र लग रहा है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया था कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान से अगर नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ लें तो वो पाकिस्तान से आसानी से चुनाव जीत पाएंगे। और वहीं आपको बता दें जो नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लग रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू खालिस्तानी आतंकी जो भारत का जो मोस्ट वांटेड आतंकी है खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला के साथ जिस तरीके से सिद्धू ने फोटो खींची और उसके बाद पाकिस्तान से भारत आकर सिद्धू क्या सफाई देते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, कौन है गोपाल चावला ये वो सो, ऐसे बयान देकर सिद्धू समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की पूरी जनता बेवकूफ है और हम उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू की गलत धारणा है और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जिस तरीके से हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी अब भारत के खिलाफ जिस तरीके से काम कर रही है, भारत के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से बयान दे रही है, कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता भरे पड़े हुए हैं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और मोदी के खिलाफ बोलते हैं, मोदी सरकार को गिराने और मोदी सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद की बात करते हैं। और वहीं दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के ऐसे नेताओं में शुमार हैं और वहीं पाकिस्तान के जो दूसरे बड़े प्रेमी हैं शशि थरूर, जिनके बारे में आपको पता होगा कि शशि थरूर कैसे कैसे बयान देते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं, तो ये जो सारे लोग हैं पाकिस्तान के पक्ष में जो ये बातें करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, ये लोग कांग्रेस पार्टी को ऐसी पार्टी बनाने पे तुले हुए हैं जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका पर भी बड़े संदेह और सवाल उठते हैं। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ दिनों पहले जब मीडिया से बात करते हुए कुछ मीडिया वालों ने नवजोत सिंह सिद्धू से सवाल किए कि जब आपको पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपको वहां जाने से मना किया तो आप ऐसे में पाकिस्तान क्यों गए, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या जवाब दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने रिपोर्टर के सवाल पर कहा किस कैप्टन की बात कर रहे हैं आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कैप्टन अमरिंदर सिंह आर्मी के कैप्टन होंगे, मेरे कैप्टन सिर्फ राहुल गांधी हैं और मैं राहुल गांधी की बात को मानता हूं। और उन्होंने यहां तक कहा कि मैं जब पाकिस्तान गया तो राहुल गांधी की अनुमति से गया, ये जो सबसे बड़ा बयान दिया उन्होंने राहुल गांधी के बारे में, उन्होंने ये बात चौंकाने वाली कही कि वो पाकिस्तान राहुल गांधी की अनुमति की वजह से गए और पाकिस्तान जाने के पीछे राहुल गांधी की हाँ थी। और इससे सवाल उठता है कि राहुल गांधी कैसे नेता हैं और राहुल गांधी की सोच क्या है कि वो पाकिस्तान उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों भेजना चाहते हैं
और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गले लगने के बाद भी उन्होंने जब देश भर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो उन्होंने उसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से नहीं निकाला, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कैसे नेता आगे बढ़ रहे हैं, कैसे नेताओं की वहाँ ज़रूरत है जो भारत के खिलाफ बोले, जो भारत के लोगों के खिलाफ बोले, भारत की सेना का अपमान करके भारत के सैनिकों के खून की जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के बनाए हुए आतंकवादी जो भारत के सैनिकों के खून और भारत के आम लोगों के खून के लिए जो जिम्मेदार है, जो भारत के आम निर्दोष नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, जो भारत में हुए अनेक आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, जहां हफीज सईद जैसा आतंकवादी, जहां मसूद अजहर जैसा आतंकवादी, जहां के आधा से अधिक लोग आतंकवादी हैं, उस देश के लोगों के साथ किस तरीके से यहां के कुछ नेता, यहां की कुछ पार्टियां उन नेताओं को संरक्षण देती है, उन नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और ऐसे नवजोत सिंह सिद्धू अब जो उन पर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि ये खालिस्तान, जो खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा है 2022 तक आज़ाद करने की बात, जो खालिस्तानी जो अलगाववादी जो भारत से जो भारत विरोधी हैं वैसे लोगों के गुट के साथ नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे हैं कि वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने, लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की ISI के एजेंट बने हुए हैं और पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं। और उन पर ये आरोप इसलिए पुख्ता हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की सेना प्रमुख के गले लगे, जिस तरीके से वो इमरान खान के शपथ में गए, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दक्षिण भारत से अच्छा उन्हें पाकिस्तान घूमना अच्छा लगता है, पाकिस्तान अच्छा लगता है और भारत से ज़्यादा प्यार उन्हें पाकिस्तान में मिला। तो ऐसे लोग जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं, ऐसे गद्दार लोग कैसे हिंदुस्तान में कैसे इनको पार्टियां रख लेती है, कैसी ये पार्टियां हैं, आप सोच सकते हैं कि इन पार्टियों की मानसिकता और इनमें जो लोग बैठे हुए हैं ये कैसे हैं और ये भारत के खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसे लोगों को जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाया था वैसे ही ऐसे लोगों को भगाना चाहिए और ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं जो हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान के दुश्मनों के गीत गाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनके सेना प्रमुख के गले लगते हैं जो भारत के दुश्मन हैं, भारत के जवानों के खून के जो प्यासे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे पार्टियों को, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, इनका हर जगह विरोध होना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। इन लोगों को जहां भी जाए इनका बहिष्कार होना चाहिए और इनका जो घमंड है ये इतना बढ़ गया है कि ये भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ खुलेआम बोलते हैं और ऐसे लोगों को करारा जवाब देना चाहिए। और आपको बता दें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पंजाब के CM हैं इनके खिलाफ राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू कि इनसे बन नहीं रही है और नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री किसी तरह बन जाएं, इसलिए वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पैरों में पड़ गए हैं और उनके गुणगान गाते रहे हैं और राहुल गांधी के कांग्रेस में जाने का जो इनका ये सपना है और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था कांग्रेस ने, उसी तरह मैं कांग्रेस और राहुल गांधी की भक्ति करूं, मैं सोनिया गांधी की भक्ति करूं और क्या पता अगर समय आए तो मैं
देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, देश का प्रधानमंत्री नहीं बना तो पंजाब का सीएम बन सकता हूँ, पंजाब का नहीं बना तो खालिस्तान का पीएम बन सकता हूँ। लेकिन जो ये खालिस्तान का ये मूवमेंट है, कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की जो ये हरकत है उसको देखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियों को इनके खिलाफ हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और इन पर नज़र बनाए रखना चाहिए कि इनकी जो गतिविधियां हैं इन पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए और ये जो जो काम कर रहे हैं इनको देखना चाहिए कि ये इनकी जो हरकतें हैं वो भारत के खिलाफ हैं, तो इनको पकड़कर इनकी जो जगह है वहाँ होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नहीं तो जो भारत में जो ऐसे लोग हैं इनके हौसले बुलंद होंगे और भारत के खिलाफ ये कहीं तक जाने के लिए खड़े हो जाएंगे और ऐसे लोगों को फलने फूलने से पहले ही इनको अपनी जगह पर ले जाना चाहिए और भारत की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को जो भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत के खिलाफ और जो भारत के दुश्मनों के साथ होते हैं ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इन लोगों का भंडाफोड़ करना चाहिए और ऐसे लोगों को करारा जवाब देना चाहिए, जिससे भारत की जो सुरक्षा है, संप्रभुता है, भारत की एकता है, उसके लिए कोई खतरा न बन सके और भारत में ऐसे लोग पैदा ना हो सके कि जो भारत को बांटने का प्रयास करे और जो पंजाब में जो शांति है उसको बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इन लोगों पर हमेशा निगरानी रखनी चाहिए, जिससे भारत की एकता और भारत की संप्रभुता बनी रहे और आप लोग भी जागरूक रहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ देखते रहिए कि ये लोग कैसे बयान देते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और जो भी भारत के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाए लिए, उनके खिलाफ बोलिए और भारत की एकता और भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए साथ आइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।